Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. This is the book of English A. Please open it for the next activity at page 134. This is our page number 134. An adverbial clause of time can also begin with a connectors that tell us how long, such as long as, since, until, and while. ये adverbial clause of time कुछ मज़ीद कनेक्टर्स, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, कनेक्टर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को, यानी एडवर्बल क्लॉज और मेन क्लॉज को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, उन मज़ीद कनेक्टर्स के साथ भी स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं. वो मज़ीद कनेक्टर्स कौन से हैं? हाउ लॉन्ग, कितना लंबा, एज लॉन्ग एज, सिंस, अनटिल, वाइल, ये उसके अलावा मज़ीद और कनेक्टर्स हैं. इट आल्सो टेल्स अस हाउ ऑफन, सच एज, वन एवर एंड एवरी टाइम. ये हमें मज़ीद बताते हैं कि कितनी देर, कब से कब तक, एवरी टाइम, हर वक़्त, यानी ये हमें मज़ीद टाइम बताते हैं कि क्या काम किस वक़्त किस टाइम पर सर अंजाम दिया गया है. लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स. जिम मेट हिज वाइफ वाइल ही वॉज वर्किंग इन हॉन्गकॉन्ग. जिम अपनी बीवी से उस वक्त मिला जब वो हांगकांग में काम कर रहा था. मेट, मिलना, मुलाकात करना, वाइल, जब, उस वक्त, ही वाज वर्किंग इन हांगकांग, वो हांगकांग में काम कर रहा था. सो हेयर वाइल इज़ दी कनेक्टर. लियोनार्डो डिमॉन्स्ट्रेटेड इनक्रेडिबल आर्टिस्टिक टैलेंट सिंस ही वाज चाइल्ड. लियोनार्डो ने बचपन से नहीं नाकाबिले यकीन फनकराना सलाहियतों का मुजाहरा किया. डिमॉन्स्ट्रेटेड, मुजाहरा किया. इनक्रेडिबल आर्टिस्टिक, नाकाबिले यकीन फनकराना टैलेंट, सलाहियतें. सिंस, जब, ही वाज अ चाइल्ड, वो बच्चा था, यानी जब से उसका बचपन था. सो हेयर सिंस इज़ द कनेक्टर एंड ही वाज अ चाइल्ड इज़ द एडवर्बल क्लॉज. The teacher did not leave school until all the students left for home. उस्ताद साहब ने उस वक्त तक स्कूल नहीं छोड़ा जब तक तमाम तलबा घर रवाना नहीं हो गए या घर नहीं चले गए. During summer, गर्मियों के दौरान, the farmers harvested their crops, किसानों ने अपनी फसलें काटी, for as long as they, जब तक वो काट सकते थे, as long as they could, जब तक वो कर सकते थे. We will have dinner with Uncle Joe whenever he is in town. हम अंकल जो के साथ खाना खाएंगे जब वो शहर में होंगे. जब, whenever, जब भी. Here whenever is the connector and he is in town is adverbial clause. We visit the Singapore Zoological Gardens every time we are in Singapore. हम जब भी सिंगापुर होते हैं तो जूलॉजिकल गार्डन का दौरा ज़रूर करते हैं, यानी उसे देखने ज़रूर जाते हैं. फॉर्म सेंटेंसेस विद द गिवन एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम. जुमलों को इन दिए गए जुमलों के साथ, जो कि एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम है, मुकम्मल करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड ऑल दीज सेंटेंसेस. व्हाइल आई वाज हैविंग डिनर, जब मैं खाना खा रहा था. Whenever you say, जब भी आप कहें, good morning, सुबह बखैर. Since she was five, जब से वो पाँच साल की थी. Every time we visit Sydney, जब भी हम सिडनी जाते हैं, सिडनी का दौरा करते हैं, सिडनी देखते हैं. Until mom stormed into the room, यहाँ तक कि अम्मी कमरे में दाखिल हो गई. नंबर वन, द पैरट विल विसल, तोता सीटी बजाएगा. सो लेट्स चूज रिमेनिंग एडवर्बल क्लॉज. वाइल आई वाज हैविंग डिनर, जब मैं खाना खाऊंगा, खा रहा हूंगा, या फिर वेन एवर यू से गुड मॉर्निंग, जब भी आप उसे सुबह बखैर कहेंगे, जब वो पाँच साल से थी, जब वो सिडनी का दौरा करती थी, या यहाँ तक कि अम्मी कमरे में दाखिल हो गई. सो स्टूडेंट्स, क्या आना चाहिए यहाँ पे? द पैरट विल विसल, तोता सीटी बजाएगा. सो द एडवर्बल क्लॉज इज
वन एवर यू से गुड मॉर्निंग, जब भी आप उसे सुबह बखैर कहेंगे. वन एवर इज़ द कनेक्टर एंड इट इज़ टेलिंग अस द टाइम ऑफ द एक्शन. सो द कम्प्लीट सेंटेंस इज द पैरट विल विसल वन एवर यू से गुड मॉर्निंग. नंबर टू, दे रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ बेड. उन्होंने बिस्तर से बाहर निकलने से इनकार कर दिया. सो क्या हुआ था? बाकी का सेंटेंस हम यहाँ से चूज करेंगे. अनटिल मम स्टॉम्प्ड इनटू द रूम. ओके, सो वी विल राइट अनटिल मम स्टॉम्प्ड इनटू द रूम. उन्होंने बिस्तर से बाहर आने से इनकार कर दिया यहाँ तक कि अम्मी कमरे में दाखिल हो गई या अम्मी कमरे में आ गई. स्टॉम्प्ड आना, कमरे में आना. स्टॉम्प्ड इनटू द रूम, कमरे में आना. नंबर थ्री, सैली हैड बीन लर्निंग बैलेट. सैली डांस करना सीख रही थी. बैलेट मीन नाच गाना सीखना, नाच गाना करना. लर्निंग सीखना. सो व्हाट वी विल राइट, हम इसके आगे इससे क्या लिखेंगे, बाकी का सेंटेंस क्या होगा, चूज करें स्टूडेंट, सोचें. यस, वी विल राइट सिंस शी वॉज फाइव, तब से जब से वो 5 साल की थी. सैली नाच गाना करना सीख रही थी जब से वो 5 साल की थी. नंबर फोर, डैश वी हैव फिश एंड चिप्स फॉर डिनर. हमारे पास मछली और चिप्स खाने के लिए है. लेट्स चूज. यस, व्हाइल आई वॉज हैविंग डिनर. नो वे. ओके, नेक्स्ट गुड मॉर्निंग. अब वी हैव डन, 5 डन. ओके, सो वी विल राइट एवरी टाइम वी विजिट सिडनी. एवरी टाइम वी विजिट सिडनी, हर वक्त जब हम सिडनी का दौरा करते हैं या सिडनी देखने जाते हैं, वी हैव फिश एंड चिप्स फॉर डिनर. हमारे पास खाने के लिए मछली और चिप्स होते हैं. नंबर फाइव, द पोस्टमैन केम. डाकिया आया. डाकिया कब आया? वाइल आई वॉज हैविंग डिनर, उस वक़्त जब मैं खाना खा रहा था. द पोस्टमैन केम वाइल आई वॉज हैविंग डिनर. डाकिया उस वक्त आया जब मैं रात का खाना खा रहा था. नाउ कम एट पेज 135 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी. स्पेलिंग, वी डबल द टी फॉर वर्ब्स विद अ शॉर्ट वॉवल साउंड. हम टी को डबल करेंगे और एक शॉर्ट वॉवल साउंड के साथ वर्ड्स बनाएंगे. लाइक वेट वेटेड, पैट पैटिंग, rot, rotten. Here are more examples. यहाँ मज़ीद कुछ मिसालें हैं. Potted, potted means ऐसा बर्तन या कोई ऐसा बर्तन जिसमें पौधा उगाया जाए या फिर कोई गमला. गुलदान, getting हासिल करना. Dotted lines, नुक्तों वाली जो लाइन है उसके ऊपर जब आप लाइन लगाते हैं तो वो dotted line होती है. Letting, जाने देना. Sitting, बैठना. हॉटर गर्म तरीन. सिटर बैठने वाला. कटिंग काटना. वेटिंग गीला. सेटिंग गुरूब होना. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड लिस्ट अबव. वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स विद दीज गिवन वर्ड्स. नंबर वन, द सी गर्ल्स फ्लू अबव द ओशन एज द सन वॉज डैश इन द हॉरिजन. सी गर्ल्स, समुंदरी जहाज. स्टूडेंट्स गेस द वर्ड which we have to write in this given blank. Yes, we will write setting. See, the sea gulls flew above the ocean as the sun was setting in the horizon. Jab ufak mein suraj gharub hua, us waqt samundri jahaz samundar ke upar se ud gaya. Number 2, we brought our dash plants to school for the annual Green Fingers Day. Humne dash paudon ke liye kharide एनुअल स्कूल फिंगर डे पर ले जाने के लिए. हमने क्या खरीदे स्टूडेंट्स, हम पौधों के लिए क्या खरीदते हैं? वी ब्रॉट आवर पॉटेड प्लांट्स, हमने पौधों वाले गुलदान खरीदे टू स्कूल, स्कूल के लिए, फॉर द एनुअल ग्रीन फिंगर्स डे, सालाना फिंगर डे के लिए. नंबर 3, एज द आफ्टरनून सन ब्लेज्ड अक्रॉस द स्काई द वेदर गॉट डैश. जैसे ही दोपहर हुई सूरज मुकम्मल आबोताब से आसमान के ऊपर चमकना शुरू हुआ. द वेदर गॉट डैश, और मौसम बहुत ज़्यादा डैश हो गया. वट वी विल चूज़ फ्रॉम दिस.
We will choose hotter. The weather got hotter. मौसम बहुत गर्म हो गया. Number 4. Please take your scissor and practice dash along the dash line, instructed the teacher. मेहरबानी करके अपनी कैंची उठाओ और टीचर की हिदायत के मुताबिक क्या करने की मशक करो. ये क्या वर्ड्स आएंगे? Cutting and dotted. Please take your scissor and practice cutting along the dotted line, instructed the teacher. मेहरबानी करके अपनी कैंची से टीचर की दी गई हिदायत पर कुतुब नुमा लाइन पर काटने की मशक करें. डॉटेड लाइन, कुतुब नुमा लाइन यानी निशानों वाली लाइन, जिस पर निशान लगे हों और उसके ऊपर ऊपर काटना हो या कुछ भी लिखना हो, उस लाइन को डॉटेड लाइन कहते हैं. मैरी क्यूरी कुड रीड अ बुक इन वन डैश. मैरी क्यूरी कुड रीड अ बुक इन वन सिटिंग. मैरी क्यूरी एक ही नशीस में बैठ के मुकम्मल किताब पढ़ सकती है. नंबर 6. डैश गो ऑफ देयर हाउस आफ्टर हर हस्बैंड पास्ड अवे वाज डिफिकल्ट फॉर मैरी. हियर वी विल राइट लेटिंग. लेटिंग गो ऑफ देयर हाउस आफ्टर हर हस्बैंड पास्ड अवे वाज डिफिकल्ट फॉर मैरी. अपने शोहर के इंतकाल के बाद उन्हें मैरी के लिए घर छोड़ना मुश्किल था. ओके स्टूडेंट, सो दीज आर द पेज 134 एंड 135. प्लीज नोट डाउन वेरी केयरफुली एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.